बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन बर्गर। चिकन बर्गर बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चिकन है, इसको मैंने सिंपल बॉयल करके श्रेडेड कर लिया। ये देखें, थोड़ी सी मेरे पास बंद गोभी है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक मेरे पास प्याज था, उसको भी सिंपल स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ है। एक अदर टमाटर था, उसको भी गोल स्लाइसेस में कट कर लिया मैंने। गाजर है मेरे पास, इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। सेम इसी मेथड से शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। दो से तीन मेरे पास जवे थे लहसुन के, इसको मैंने सिंपल चॉप कर लिया है। ये मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ है रेड चिलीज, फ्रेश वाली जो रेड चिलीज होती है उसको मैंने सिंपल ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करके उसका इतना थिक मैंने पेस्ट बना लिया। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये देखिए जी, मैंने बाउल में 2 to 3 टेबल स्पून मैंने मायनीज ली है। इसमें हम सिंपल जी जो हमने शिमला मिर्च कट करके रखी हुई थी बारीक बारीक क्यूब्स में, ये ऐड कर देंगे। गाजर ये ऐड कर देंगे। अब सिंपल इसको मिक्स कर लें। ये देखें जी, वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद ये अच्छे तरीके से मायनीज में मिक्स हो चुका है। अब हम बर्गर का सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरे बाउल में मैंने मायनीज ली है। इसमें हमने क्या करना है जी, सिंपल 2 to 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी। सिरका ऐड करने के बाद इसमें मैं लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था उसको ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मेरे पास है रेड चिली पाउडर, इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। रेड चिली पाउडर ऐड करने से ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है, बहुत अच्छी सॉस बनती है। इसके अंदर जो गार्लिक मैंने ऐड किया है इससे भी इसका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। ये देखें जी, पेपरिका सॉस हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो मैंने बॉईल करके श्रेडेड करके रखा हुआ था। चिकन ऐड करने के बाद अगेन इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब हम बर्गर बंस को टोस्ट करते हैं। ये देखें जी, ये वाले मैं बर्गर बंस यूज़ करने लगी हूँ। इसको हल्का हल्का टोस्ट करेंगे ऑयल के साथ। लाइट साइज को टोस्ट करेंगे। सेम इसी मेथड से मैं बाकी के बर्गर बंस भी टोस्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, बर्गर बंस हमारे टोस्ट हो चुके हैं। इतना सा लाइट ब्राउन सा कलर इसका आना चाहिए, ज़्यादा आपने डार्क नहीं कर देना। बाकी के टोस्ट भी मैं इसी तरीके से रेडी करती हूँ। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप है सेमलिंग का। सेमलिंग के लिए मैंने बर्गर बन का एक हिस्सा लिया, उसके ऊपर आपने ये रेड चिली का जो हमने पेस्ट तैयार किया था गाढ़ा सा पेस्ट, इसको आपने स्प्रेड कर देना। बहुत स्ट्रॉन्ग पेस्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉस है ये। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप फिर थोड़ा सा कम ऐड करें इसके अंदर। इसके बाद हमने जो चिकन का मिक्सचर ऐड किया हुआ था पेपरिका सॉस के अंदर वो ऐड करेंगे। अच्छे से फैला लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स जो हमने मायनीज के अंदर ऐड करके रखी हुई थी क्यूब्स में कट करके वो ऐड करेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत मज़े के टेस्टी बर्गर बनते हैं। चलें जी, यहाँ पर अब बारी आती है जी वेजिटेबल्स ऐड करने की। थोड़े से आपने लेने हैं प्याज के स्लाइसेस सेंटर में, बिल्कुल थोड़े थोड़े से आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद जी बंद गोभी थोड़ी सी, लास्ट में आप लोगों ने टमाटर के स्लाइसेस जो हमने कट करके रखे हुए थे वो सेंटर में आपने इसके प्लेस कर देने हैं।
ये देखें जी, बर्गर की फिलिंग हो गई है रेडी। अब इसको कवर करना है अपने दूसरे पार्ट से बर्गर के। ये देखें जी, बहुत अच्छा बर्गर तैयार हुआ है हमारा। इसी मेथड से मैं बाकी के बर्गर फिल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे बर्गर बंस रेडी हो चुके हैं। चिकन बर्गर बहुत ही मजे का टेस्टी बना है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए जी कितना कलरफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग जरूर ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। ये देखें जी कितना कलरफुल है, कितना टेस्टी लग रहा है। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।